आप देखिए उनकी त्वचा, उनका शरीर, उनका रूप, लेकिन यह धोखे की परतें हैं। यह छुपाने के लिए कि वह वास्तव में कौन है, लेकिन फिर सब कुछ उनके नियंत्रण में है। यदि वे चाहते तो अपने रूप को किसी भी सजीव व निर्जीव वस्तु में बदल सकते थे। कृष्ण या राम या हनुमान जी की तरह देखने के लिए, जैसा कि सभी पुस्तकों में दिखाया गया है, लेकिन वे सामान्य दिखने वाले नीप करोरी बाबा जी स्थूल शरीर के साथ बनाए रखते थे और उनके अवतार के माध्यम से मानवता का पूरा पैकेज है। मुझे संदेह है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने पर अनावश्यक व अतिरिक्त रेख देख या तवज्जो पसंद नहीं है। अगर कोई उन्हें देखना चाहता है और उन्हें अपने ध्यान के योग समझता है, उनसे प्यार करता है, तो वह आकार से परे है। बाकी के लिए वह जो सिर्फ फैशन के शो के लिए इसमें है, या जो अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है, वह शायद खुद को प्रकट करने के लिए परेशान नहीं है। अब जबकि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया है, यह भी उनकी एक दिव्य लीला ही है जिसे आम जनमानस समझने में असमर्थ है। उनकी सच्चाई जानने का अर्थ है जीवित आत्मा को पहचानना। भले ही वह अपनी तस्वीरों और किसी भी माध्यम से जीवित हों जिसमें वह जीवित हो सकता है, व्यक्ति को वास्तव में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने आप को और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को स्पष्ट रूप से दिव्य आत्मा की पहचान को महसूस करना चाहिए, जो कि निराकार महाराज जी हैं। कई बार उन्हें पकड़ना वास्तव में कठिन होता है क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है और एक आत्मा के रूप में उनका चंचल, लगभग शरारती स्वभाव इसे पकड़ना और भी कठिन बना देता है। लेकिन जिसे आप एक बार पकड़ लेते हैं, आप उन्हें हर बार और हर बार पकड़ सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आप नहीं जानते कि आपने उन्हें पकड़ा या उसने आपको पकड़ा है। जब मैं कैंची धाम में कई लोगों से मिला जो जीवन बदलने वाले अनुभव की उम्मीद के साथ मंदिर आते हैं, जो उन्हें स्टीव जॉब्स या कई अलग अलग इरादों और उद्देश्यों की तरह अरबपति बना सकते हैं, उनमें से कुछ महाराज जी के दर्शन प्राप्त करते हैं और वे उस पुण्य स्थान की सुंदरता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जहाँ पूज्य सिद्धि माँ की भी समाधि है, बाकी लोग बस एक कंबल में लिपटे एक बूढ़े व्यक्ति की संगमरमर की मूर्ति देखते हैं। कुछ लोगों के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पोस्ट में डालने के लिए एक सुखद घटना बनकर रह जाती है। इस याचनात्मक दृश्यता के पीछे के कारणों को सिर्फ और सिर्फ महाराज जी ही जानते हैं। जब मैं कैंची धाम गया तो प्रवेश मार्ग पर ही आंसू बह रहा था, और जब मैं उनकी मूर्ति के पास बैठा तो मैंने महसूस किया कि दिव्य प्रकाश की स्वनातीत किरणों, उनकी उपस्थिति और दिव्य ऊर्जा से मेरे अस्तित्व के हर अणु में प्रवेश कर रही है, जो मैंने पहले अनुभव किया था जिस दिन मैं मंदिर से निकला। मैं भौतिक रूप से ध्वस्त हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मंदिर के पास ही कोई चाय की दुकान खोल लूं, मगर वहां से वापस ना जाऊं। इसके अलावा मैं वहां कॉलेज के
कुछ युवा लड़कों से मिला जो वहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वही महसूस किया जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि वे कह सकते हैं कि यह निश्चित रूप से यहाँ बहुत शांति है, यह जगह शांतिपूर्ण है। मेरे लिए यह देवी माँ के गर्भ में रहने जैसा था, जबकि मेरी तंत्रिका जीव विज्ञान विभिन्न आयामों और अवतारों में पुनर्गणना कर रहा था। ऐसी ही पहेली लीला महाराज जी हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।